मध्य प्रदेश में भाजपा के बड़े लीडर्स के दौरे शुरू हो गए हैं। बीजेपी का फोकस कांग्रेस की मजबूत सीटों को डैमेज करने का है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शिवपुरी जिले की कटरा विधानसभा सीट पर जन आशीर्वाद यात्रा और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए ग्वालियर आए हुए हैं। इस दौरान पीयूष गोयल ने ग्वालियर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें पीयूष गोयल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि ये विचार कई पार्टियों के नेताओं ने अलग अलग समय पर रखा है। ये विचार लागू होता है तो देश का रुपया, समय, कर्मचारियों के काम की बचत होगी। विपक्ष डरता है ना तो उसके पास चेहरा है ना चरित्र। विपक्ष चाहता नहीं है कि देश में विकास हो। विपक्ष की जब सत्ता रही तो देश प्रदेश विकास में पिछड़े रहे। मोदी और बीजेपी सरकार ने विकास के नए आयाम बनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा इस बार मध्य प्रदेश में एक तरफा चुनाव होगा, जनता ने मन बना लिया है, प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिलेगा। वहीं इंडिया डॉट गठबंधन पर गोयल ने कहा इंडी अलायंस प्रचार करें, लेकिन उनके युवराज तो विदेश में बैठे हैं, ये गठबंधन यूपीए से भी ज़्यादा कमजोर है। वहीं जम्मू कश्मीर में दोबारा घटना हुई है, सरकार सख्त कदम उठाएगी, लेकिन हालात 4 साल में कश्मीर में पत्थरबाजी घटनाएं कम हुई हैं। फारूक अब्दुल्ला संवेदनशील मसले पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं स्टॉलिन पर कहा कि किसी भी धर्म पर गलत बयानी करना संविधान के खिलाफ है, ये सोची समझी रणनीति है, आज जनता के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अटल जी की पावनभूमि में आने का मौका मिला है, मुझे बचपन से ही अटल जी का स्नेह मार्गदर्शन मिला, आज मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिला है। नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भी हम सब मिलके काम करते हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, शिवराज जी भी एक कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकर्ता है। हम सब मिलके प्रदेश का और देश का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। अभी एक देखिए, ये एक विचार कई वर्षों से कई नेताओं ने, अलग अलग पार्टी के नेताओं ने ये विचार रखा है। विचार के ऊपर पूरी गंभीरता से और गहराई से सभी उसके जो पहलू हैं उन पहलुओं को सामने लेके, उनको सामने रखकर इसमें से एक अच्छा अगर मार्ग निकलता है तो मैं समझता हूँ देश के हजारों करोड़ रुपए जो अलग अलग समय इलेक्शन में लगते हैं, जो देश की व्यवस्थाएं पूरे समय इलेक्शन में व्यस्त रहती हैं, जो हमारे शिक्षक जिनका प्राथमिक काम शिक्षा देना है उनको अलग अलग चुनावों में लगना पड़ता है, जिससे उनके काम में कठिनाई आती है, हमारे विद्यार्थियों को कठिनाई आती है, और साथ ही साथ जो विकास की धारा कई बार रुक जाती है अलग अलग चुनाव अलग अलग समय होने के कारण, जो आचार संहिता बार बार लगने के कारण जो विकास की धारा रुकती है, ऐसे कई पहलू जिनका लाभ देश को मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन से, लेकिन इसमें सभी के विचार सम्मिलित हो, सभी की अलग अलग परंपराओं को सामने रखा जाए, उसको सुनिश्चित करते हुए उसका सम्मान करते हुए कैसे इसको आगे बढ़ाए। ऐसा है कि विपक्ष डरता है क्योंकि विपक्ष के पास ना तो चेहरा है ना चरित्र है। विपक्ष चाहता ही नहीं है कि ये देश में तेज हो विकास की धारा, और विपक्ष के काम का तो हम सब ने अनुभव किया ही है। आखिर आज़ादी के बाद लगभग अधिकांश वर्ष तो विपक्ष के और ख़ासतौर पे कांग्रेस की सरकारें रही हैं, और हमने देखा कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो, केंद्र की हो, अलग अलग राज्यों की हो, उन्होंने देश को पिछड़ा ही रखा। आखिर मध्य प्रदेश भी पहले तो एक बीमारू राज्य के रूप में ही पहचाना जाता था, वो तो शिवराज जी आए, उन्होंने प्रदेश का कायाकल्प किया, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को मौका मिला केंद्र में आने का, उन्होंने जिस प्रकार से देश का पूरा नक्शा बदला, जिस प्रकार से देश में आज हर एक व्यक्ति की सामान्य जरूरतों के ऊपर ध्यान देते हुए देश को बदलाव और देश को एक नई दिशा नए आवाम पे लेके गए, उससे आज पूरा देश प्रसन्न है और उससे आज विपक्ष परेशान है।